45 किलोमीटर पैदल यात्रा कर मां को उड़ाई 1100 मीटर लंबी चुनरी। नवरात्र में ग्रामीण क्षेत्रों में मां शक्ति का उल्लास छाया हुआ है। मंगला देवी माता मंदिर के लिए श्रद्धालु पैदल चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं। सोमवार को अंचल के ग्रामीणों ने चुनरी यात्रा निकाली। सोमवार को हनुमान घाट बरुआ धाम से चुनरी यात्रा निकाली गई। सोमवार को हनुमान घाट बरुआ धाम से निकली चुनरी यात्रा में सैकड़ों ग्रामीणों ने 45 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर मां मंगला देवी को 1100 मीटर लंबी चुनरी उड़ाई। आयोजन समिति के अनुसार कोरोना के नाश और क्षेत्र की सुख समृद्धि शांति की कामना को लेकर समितियों के द्वारा नवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में मंगला देवी माता मंदिर तक चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष और बच्चे शामिल हैं। चुनरी यात्रा में पूरे रास्ते माता के सुमधुर भजनों पर श्रद्धालु झूमते नाचते और माता के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। चुनरी यात्रा की शुरुआत हनुमान घाट बरुआ धाम से आरंभ हुई। 45 किलोमीटर पैदल चलकर श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर मां मंगला देवी को चुनरी उड़ाई। चुनरी यात्रा का ग्राम सोनहर छितरी और नैना गीत सुनारी के साथ कई गांवों में वंशी वाले सेवा मंडल के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेय, साबुदाना खिचड़ी, चाय की व्यवस्था की गई। बडेरा तिराहा पर चुनरी यात्रा का स्वागत के लिए और शीतल पेय की व्यवस्था की गई। इस दौरान कृपाल सिंह सोलंकी, मोनू सोलंकी, बॉबी उमेद सिंह सोलंकी, देवेंद्र सिंह बैस, छोटू सोलंकी आदि मौजूद थे।